भारत में कला के साथ हजारों कहानियां जुड़ी हुई हैं और सैकड़ों वर्षों से गांव-गांव की यात्रा करने वाले भाट और लोकगीत गाने वालों ने कला के जरिए प्रसिद्ध महाकाव्य और पुराण, क्षेत्रीय कथाएं तथा लोक कहानियां लोगों को सुनाई हैं। चलते फिरते मंदिरों, उपकरणों और चित्रों के माध्यम से कहानी कहने की ये परंपरा अलग अलग तरीकों से प्रचलित है और आज प्रत्येक राज्य में दृश्य लोक कलाओं का अपना तरीका है। मातानी पछेड़ी जैसे महीन चित्रों वाली सुंदर कला से लेकर फड़, पटचित्र और पिछवाई जैसी चित्रकारी की पारंपरिक कला के जरिए कहानी कहने के कई तरीके हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध कठपुतली या तोलू बोमलाटा जैसे छाया कठपुतलियों के माध्यम से भी कहानी कही जाती है। कुल मिलाकर भारतीय कला में कहानी कहने के बहुत रूप हैं। हम आपका परिचय चंद ऐसी अद्भुत कला विधाओं से कराते हैं जिन्होंने स्थानीय लोक कथाओं और महाकाव्यों से ली गई कहानियों को मिलाकर स्थानीय संस्कृति में अपनी विशेष जगह बनाई है। शुरुआत करते हैं लोक कथाओं की भूमि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किले की तलहटी से। चित्तौड़गढ़ शहर से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर बस्सी गांव है जो कहानी कहने की अनूठी कला कावड़ का गढ़ है। सदियों से राजस्थान में पारंपरिक कथा वाचकों ने धार्मिक कहानियों और कथाओं को सुनाने और इन्हें घर घर तक पहुंचाने के लिए कावड़ का इस्तेमाल किया है। आमतौर पर पोर्टेबल या चलता फिरता मंदिर रूपी कावड़ एक लकड़ी का बॉक्स या कैबिनेट होता है जिसमें कई दरवाजे होते हैं जो खुल सकते हैं। हर दरवाजे पर देवी देवताओं, मिथकों, कथाओं और महाकाव्यों की कहानियों का चित्रण होता है। यहाँ बस्सी गांव में उत्पन्न कावड़ या कावड़ वाचन के माध्यम से कहानियां सुनाने की कला 5 शताब्दियों से अधिक समय से फल फूल रही है। बस्सी के द्वारका प्रसाद जांगिड़ 40 सालों से भी ज्यादा समय से कावड़ बनाते आ रहे हैं। उन्होंने हमें इस परंपरा के बारे में ये बताया। हम कावड़ पेंटिंग करते हैं, लकड़ी का भी हम बनाते हैं और पेंटिंग भी हम करते हैं और ये आर्ट 500 साल पुराना आर्ट है। ये हमारा काम पारंपरिक है। ग्रैंड फादर वगैरह, उनके फादर, वो सभी यही काम करते थे। ये कावड़ कला एक पहले के ज़माने में गांव में मंदिर नहीं थे, शहरों में मंदिर थे तो मुग़लों ने तोड़ दिए गए थे, तो एक धर्म का प्रचार करने का माध्यम यही था। एक भाट जाति का लोग होता, वो गांव-गांव में घर घर में जाके एक धर्म का प्रचार करता था। कांवड़ एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे 10 पार्ट का भी होता है, 8 पार्ट का भी होता है और 16 पार्ट का भी होता है। जैसे जैसे स्टोरी लंबी होती है तो उसमें पार्ट बढ़ जाते हैं और उसमें धार्मिक के चित्रण होते थे, राम और कृष्ण स्टोरी, महाभारत के सीन, जो लोग देवता है उनका वर्णन होता था, जो दान देते हैं उनका वर्णन होता था और उसमें जो जो भक्त हुए थे, जैसे मीरा भाई है, रविदास चमार है, कबीरदास जी है, तो ऐसे ऐसे जो जो भक्त हुए उनका वर्णन होता है उसमें। पहले के ज़माने में लाल कलर के ऊपर ही काम करते थे क्योंकि ये स्वास्थ्य और शुभ माना जाता है कलर, इसलिए इसको लाल कलर में ही बनाया जाता है। अब अलग अलग स्टोरी के ऊपर अलग अलग कलर के कावड़ बनाते हैं, लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, और जैसे जैसे स्टोरी होती है पंचतंत्र पे, हितो उपदेश पे, अलग अलग कहानियों पे हम ये काम करते हैं। एक कावड़ में अमूमन 10-20 चित्रित पैनल होते हैं जो विभिन्न कहानियों को दर्शाते हैं। कहानी शुरू करते ही कथा वाचक या कावड़िया सामने के पैनल को खोलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे भीतर के भी पैनल खोलने लगता है। कहानी के अंत में वो अंतिम पैनल खोलता है ताकि दर्शक उस पर दर्शाए गए देवता के दर्शन कर सके। इस मंदिर जैसी संरचना के शीर्ष पर आमतौर पर सूर्य देवता या स्थानीय राजा या फिर संरक्षक के चमकीले चित्रित चेहरे देखे जा सकते हैं। ये चित्र
कावड़ पर चित्रित अन्य छवियों से बड़े होते हैं। सामने के पैनलों पर कभी कभी द्वारपाल बने होते हैं। द्वारका प्रसाद जी ने इस छोटे से पारंपरिक कावड़ में चित्रित कहानी के बारे में बताया और हमें ये भी बताया कि कैसे कावड़ का उपयोग अब सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा रहा है। ये राम और कृष्ण की स्टोरी है, सूर्यदेव है, द्वारपाल ये पूजा करने के लिए लेडीज जैन जाते हुए विष्णु भगवान से स्थान पर सेंड करते हुए, इधर लक्ष्मी जी हैं, इधर यहाँ से बंद राजा दशरथ है, उनकी रानी है। विश्वामित्र जी यज्ञ करने के लिए राम लक्ष्मण को लेके गए, उनका यज्ञ सफल किया, राक्षस मारा। हनुमान जी ने सीता का खोज किया, अशोक वाटिका में लंका में सीत बना मिश्र की स्थापना राम ने किया, राम रावण लड़े युद्ध राम को राज्य। इधर कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, वासुदेव जी पालना लेके नंदगांव जा रहे हैं, यमुना नदी बहती हुई अकेबड़ में अपना अंगूठा सूखते हुए कृष्ण गोपियों के वश लेके कदम के पेड़ पर चढ़ गए, यमुना नदी बहती हुई गोवर्धन पर्वत उठाना काल्यावध करना, तो दोनों सपने ने कहा हमारे पति को आप छोड़ दो, हम कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, माखन खाना माता यशोदा माखन बलोरी है, बद्रीनाथ का मंदिर भगीरथ धरती के ऊपर गंगा लेके आया, ये पूजा करने के लिए लेडीज जैन जाते हुए बीच में राम लक्ष्मण सीता। ये सब इसमें पहले तो हम लोक देवताओं और महाभारत के ऊपर कृष्ण रामलीला के ऊपर भी वर्णन होता था और भक्त लोगों का वर्णन होता था। अब आज के ज़माने में हम अलग अलग कहानी पंचतंत्र पे है, हितोपदेश पे है, महावीर स्टोरी है, शिक्षा के ऊपर मीना की कहानी, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसकी कहानियों भी बनाते हैं। हमने अलग अलग कहानी भी बनाई, परिवार नियोजन के ऊपर भी बनाया, हमने ट्रैफिक के ऊपर भी बनाया था। राजस्थान में आपको कला के कई अन्य रूप मिलेंगे जिनका उपयोग कहानियां सुनाने के लिए किया जाता था। एक तरफ जहां प्रसिद्ध कठपुतली राजस्थान में एक लोकप्रिय आकर्षण है, वहीं पाबूजी की फड़ जैसे अन्य रूप भी हैं, जिनके जरिए स्थानीय लोक देवताओं और नायकों की कहानी सुनाई जाती है। 700 से अधिक वर्षों पुरानी फड़ एक प्रकार की कथात्मिक स्क्रोल पेंटिंग है। इसकी उत्पत्ति राजस्थान के शाहपुरा और भीलवाड़ा क्षेत्र में मानी जाती है। पारंपरिक रूप से भोपा के नाम से जाने जाने वाले गायक देवनारायण और पाबूजी की लोक कथा सुनाते समय इसका इस्तेमाल पृष्ठभूमि के रूप में करते थे। देवनारायण और पाबूजी को राजस्थान में स्थानीय लोग लोक देवताओं के रूप में पूजते हैं। देवनारायण एक मध्ययुगीन नायक थे जिन्हें हिंदू भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। बाबूजी को एक लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 14वीं शताब्दी में राजस्थान में जोधपुर के पास कोलू नामक एक सुदूर गांव में रहते थे। बाबूजी को समर्पित फड़ पेंटिंग, जिसे बाबूजी की फड़ के नाम से जाना जाता है, हिंदू महाकाव्य रामायण में राम के भाई लक्ष्मण के अवतार के रूप में उनके दिव्य रूप की नुमाइंदगी करती है। फड़ कलाकार मुकुल जोशी ने हमें इन सुंदर पेंटिंग्स में वर्णित कहानी के बारे में जानकारी दी। फड़ का मतलब होता है चित्रों के माध्यम से कहानी को पढ़ना। फड़ बाबूजी राठौड़ के ऊपर पूरी फिक्स है, लेकिन आज के ज़माने में हमने इसकी स्टोरीज को थोड़ा बहुत चेंज किया है। पहले के ज़माने में लोकल फोक गॉड्स के ऊपर सारी पेंटिंग्स तैयार की जाती थी। बाबूजी राठौड़ की जो कहानी है वो एक जाति है जो रेबारी जाति कहलाते हैं, जो जोधपुर जालौर पाली इस साइड के लोग जो होते हैं, जो ऊँट चराने वाले होते हैं, वो लोग इनको ज़्यादा मानते हैं। और बाबूजी का जन्म गायों की रक्षा के लिए हुआ था और इनके पास एक मैजिकल हॉर्स होता है और ये दो लेडीज़ होती है इनके पास से लेते हैं और उनको प्रॉमिस करते हैं कि ये जब भी मुझे कोई काम होगा या आप लोगों को कोई काम होगा तो मैं आधी रात को उठ करके आऊँगा। जब इनकी शादी हो रही होती है तो इन्होंने 3 फेरे लिए होते हैं और ये लेडीज़ उठ करके आती है, चिड़िया बन करके आती है और इनके पास आके बोलती है कि मेरी की गायों को कोई चुरा करके ले गया है तो आपको चलना पड़ेगा। इन्होंने कहा मैंने 3 फेरे लिए, मैं इसके बाद में आपके साथ चलता हूँ, शादी कंप्लीट करूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने प्रॉमिस किया है, ये 3 फेरे छोड़ करके ही वहाँ जाते हैं और वहाँ फाइट होती है और गायों की रक्षा में इनकी डेथ हो जाती है। मात्र 16 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। इनका कनेक्शन है रामायण के वक्त से, जिस वक्त सुरपण का जो थी
और शूर्पणखा ने शादी का प्रस्ताव राम और लक्ष्मण के सामने रखा था, तो शूर्पणखा जो है वो अभी इस स्टोरी में इनकी वाइफ बनी है और लक्ष्मण ने ही उनकी नाक काटी थी। तो जब शूर्पणखा ने इनको श्राप दिया था कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, और लक्ष्मण ने कहा था हाँ मैं तुम्हारा वहाँ साथ दूंगा, तो ये लक्ष्मण का अवतार लेकर के ये इस जन्म में आते हैं और इनमें भी इनकी शादी पूरी कंप्लीट नहीं होती है, तीन फेरे के बाद में इनकी शादी कंप्लीट। तो ये राम जन्म के वक्त से इनका वो चला आ रहा है। फिर इसके अंदर हमारे जो कलर्स हैं वो 7 कलर मस्ट है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, इस तरीके से 7 कलर हमारे पूरे पक्ष है और वो चित्रों के माध्यम से ही बनाया जाता है। हम अगर कोई पिक्चर्स या पर्टिकुलर किसी फिगर्स का कलर्स चेंज कर देते थे तो उसमें वो रोंग हो जाता था, तो इसीलिए कलर के माध्यम से सामने गाने वाला भोपा उसको पहचानता था। जैसे हरा रंग है तो वो पेड़ों का प्रकृति को दिखाता है, और ब्राउन कलर है तो वो पिलर्स महलों के या घोड़ों के इनके काम आता है, येलो कलर ज्वेलरीज वगैरह में, लाल कलर जो राजा महाराजा हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको दर्शाने के लिए काम आता है, ब्लैक कलर चिराई करने के लिए काम आता है, ब्लू कलर पानी के लिए, और दूसरा ये ऑरेंज कलर है वो बॉडी पार्ट को दिखाने के काम आता है। फर्ड पहले जैसे राजा महाराजाओं ने अपने जीवन की शैली उसके अंदर चित्रण कराते थे, उसके बाद जैसे जैसे राजा महाराजा गए तो लोकल फोक गॉड्स जो आ गए हैं उनकी स्टोरीज आने लग गई है। लोकल फोक गॉड्स के बाद में अब मार्केट में हमेशा नई चीज चाहिए, तो हमने स्टोरीज को चेंज करके हम रामायण हनुमान चालीसा इस तरह की स्टोरी लिया है। हिस्टोरिकल के अंदर हमने महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, मूमल महेंद्र, ढोला मारू इस टाइप से लिया। कंटेम्प्रेरी में जो अभी इश्यूज चल रहे हैं कि जैसे सेव ट्री, सेव काउ, सेव वाटर, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के फर्ड चेंज किया है। फर्ड की तरह भारत के विभिन्न हिस्सों से कई अन्य पारंपरिक चित्रकलाएं हैं जो महाकाव्यों, देवी देवताओं और लोक देवताओं की कहानियों को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए ओडिशा के पटचित्र भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र तथा अन्य देवताओं को समर्पित है। इसी तरह नाथद्वारा की पिछवाई चित्रकला में कृष्ण के युवा रूप श्रीनाथ जी के जीवन को दर्शाया जाता है। गुजरात में कपड़ों में पेंटिंग में देवी माँ और उनके कई रूपों को दर्शाया जाता है। इन्हें मातानी पछेड़ी कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ है माँ देवी के पीछे। हिंदू देवियों या नारी शक्ति को समर्पित ये रंगीन पेंटिंगों का इस्तेमाल प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों और समारोह में पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। सदियों से इसका उपयोग गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले समुदायों द्वारा एक चलते फिरते मंदिर के रूप में किया जाता रहा है। पछेड़ी पेंटिंग्स में नवदुर्गा मेलडी माता, वाहनवती माता, विशद माता जैसी देवियों अथवा माताओं को दर्शाया जाता है। हमने गुजरात के वासना क्षेत्र का दौरा किया और उन कारीगरों से बात की जिन्होंने इस धरोहर को संजोकर रखा है। इसमें बहुत सारी कहानियां भी होती है और बहुत सारी माता जी भी होती है, ऐसे 64 जोगनी इसको बोलते हैं। फिर जैसे नवदुर्गा होती है, मेलडी माता होती है, विशोद माता होती है, चावन माता होती है, बोचर माता होती है, खोड़ियाल माता होती है, फिर अड़क्सा माता होती है। ऐसा माता जी का में भी अड़क्सा माता है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है सभी माता जी में। जो वाणवटी माता की पछड़ी है इसमें क्या होता है कि जो सूर्य होता है, गणपति होता है, कि पहले सबसे पहले पूजा गणपति की होती है, फिर इनके पास सब कोई भी अच्छा काम करने जाते अपने तो सूर्यदेव का पानी चढ़ा कर यहाँ इनके सामने देख कर निकलते सभी सुबह ऐसे। फिर जो पनियारी होती है, तो जब भी आप अच्छा मंदिर में जाना होता है, कुछ भी करना है, गांव में भी कोई काम होता है, तो पनियारी होती है, तो मटका लेके सब सामने आती है लड़कियाँ। फिर जो फूल लेके मालन होती है, फिर इसमें भुआ होता है, भोपा होता है, फिर ज्योति होता है, सरत्या होता है, ये सारे लोग इसमें पार्ट होते, गाँव के बड़े बड़े लोग होते इसमें बताए जाते हैं। फिर इसमें कई कई स्टोरी ऐसी डाली जाती है जैसे अपने हिंदू शास्त्र में बनी हुई है, जैसे रामायण का पार्ट होता है, फिर जैसे महाभारत का पार्ट होता है, कई कई अच्छे अच्छे पार्ट होते हैं, तो माता की पछड़ी में डाला जाता है कि आने वाले बच्चे को पता चले कि ये अच्छे काम करने से ये भगवान खुश रहते हैं, माता जी खुश रहते हैं। 2 दशकों से अधिक समय से गुजरात के शिल्प पर काम कर रही टेक्सटाइल डिजाइनर काकोली विश्वास ने हमें बताया कि कैसे पछेड़ी पेंटिंगों में विभिन्न विषयों को चित्रित किया जाता है। तो वो अपने जो 9 रूप है माता के, वो सेंट्रल फिगर रखते हैं मातानी पछेड़ी में, और उसके चारों तरफ
उनके सबॉर्डिनेट्स या अदर हेल्पर्स जो माता की झांकी में निकले हैं, ऐसा वो दर्शाते हैं माता की पछेड़ी में। आप हमेशा देखोगे माता की पछेड़ी में दो टॉप कॉर्नर्स जो होते हैं वहां पे वो सन और मून बनाते हैं कि उनके इस झांकी में हमारी धरती माता, हमारे सन मून पांचों तत्व इस पेंटिंग के थ्रू वो पूरा दर्शाते हैं कि माता की झांकी में सब कोई आए हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। आप देखोगे डांसिंग फिगर होगा, एलिफेंट और कैमल, इस तरह के एनिमल्स को वो उसमें दिखाते हैं। तो एक हैप्पी फील क्रिएट करने की, झांकी तैयार करने की कोशिश करते हैं पूरे पेंटिंग में। सो इस तरह से अगर हम बोले कि मातानी पछेड़ी इज अ वन ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो हमारा अपना कल्चर है वो स्टोरी बोलने की, स्टोरी सुनाने की, तो दिस इज वन ऑफ द आर्ट फॉर्म विच यू कैन से कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू इसको हम दर्शाते हैं। जब हम बात करते हैं कि कैसे कला स्थानीय आस्था, उत्सव और आसपास के जीवन की नुमाइंदगी करती है, तो बिहार की इस आकर्षक कला पर एक नजर डालना भी महत्वपूर्ण है। बिहार के भागलपुर की मंजूषा की कला बिहुला बिशहरे की लोक कथाओं को दर्शाती है और ये एक उत्सव का प्रतीक है जो लगभग 1200 से अधिक वर्षों से चला आ रहा है। अंग प्रदेश की एक प्राचीन लोक परंपरा मंजूषा कला का प्राचीन शहर चंपा से गहरा संबंध है। चंपा व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और बिहुला बिशहरी की लोक कथाओं का इससे एक नाता है। इसी से भागलपुर के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक बिशहरी पूजा और मंजूषा कला का जन्म हुआ। जो बात मंजूषा को विशेष और अद्वितीय बनाती है वो ये है कि ये उपमहाद्वीप की कुछ कलाओं में से एक है जो एक कहानी की क्रामिक कथा का अनुसरण करती है। मंजूषा आर्टिस्ट मनोज पंडित ने हमें इस कला के बारे में बताया। यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी लोक मान्यता दंत कथा के अनुसार, जो चंद्रधर सौदागर और शिव की मानस पुत्री मनसा के साथ एक वार्ता ऐसी हुई थी और माँ मनसा चंद्रधर सौदागर से वो अपनी भक्ति का परीक्षा लिए और उसी के संघर्ष पे आधारित ये लोक कला पारंपरिक कला है। यहाँ पे जो सिंह नक्षत्र में मनसा विसहरी पूजा होता है, यहाँ की मान्यता है कि जो भी महिलाएं उपवास रख के कुम्हार घर से मिट्टी की हांडी बारी को अगर हम मनसा देवी बिहुला पे चढ़ाएंगे और मालिक के घर से एक मंजूषा का छोटा रूप मंजूषा को अगर हम भगवती मनसा देवी को चढ़ाएंगे तो मेरा पति दीर्घायु होगा और हमारे बच्चे कीट पतंग से मुक्ति पाएंगे। ये ऐसा एक परंपरा की शुरुआत थी। तभी लोग यहाँ पर मालाकार के घर से मंजूषा और कुम्हार के घर से बारी यानी कि मंजूषा पॉट को उसमें चढ़ाने लगे। धीरे धीरे इसके विस्तार होते गई। अब हजारों हजार महिलाएं उसकी मान्यता रखते हैं, मन्नत रखते हैं और मनसा देवी और बिहुला को बारी और मंजूषा अर्पण करते हैं। और इसकी खासियत है कि इसमें मात्र 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, हरा, गुलाबी और पीला। विद्वानों के अनुसार यह प्रेम, समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। इसमें हरे रंगों से जितनी भी रेखा चित्र होती है हरे रंगों से तैयार किया जाता है, तत्पश्चात उसमें पीले और गुलाबी रंगों का प्रयोग कलाकार करते हैं। सबसे पुराना इसमें मोटिव्स डिज़ाइन ये है कि जब चंद्रधर सौदागर माँ मनसा का पूजा किए तो उस समय अपने आप को समर्पित कर दिए माँ मनसा के चरणों में, तो वो जब ऐसा चित्रण करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके जो हमारा लोक परंपरा संस्कृति है और वो समर्पण करते हैं। ऐसी मोटिव्स शुरुआत हुई कि हम भगवान के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं, आप जो कहेंगे जो करेंगे बस आपकी कृपा आपकी दया। उसके बाद यहाँ की चंपा एक प्रतीक चिन्ह के रूप में एक डिज़ाइन डेवलप हुआ और लोग उसमें बनाने लगे। और यह इस कहानी में सांप
यानी कि बाला लखेंद्र की जब मृत्यु हुई थी वो नागदंश से हुई थी, इसलिए उसमें मुख्य पात्र सांप है और सांप को भी हम उस मंजूषा में बनाते हैं। फिर चंद्रधर सौदागर हाथी और बिहुला और बहला का चित्रण मंजूषा में करना शुरू किए थे। जब वो उसी को सिर्फ मंजूषा को चढ़ावे के लिए लोग बनाते थे कि वह जब लोक पर्व आता था और उसी में बस इतना ही डिजाइन बनता था। दिलचस्प बात यह है कि मंजूषा की कहानी का जिक्र 8वीं या 9वीं शताब्दी में भी मिलता है। विक्रमशिला महाविहार में खुदाई में मनसा की छवियां भी मिली है। बिहार के भागलपुर के लेखक और इतिहासकार शिव शंकर परिजात ने हमें बताया कि मंजूषा की ये परंपरा कितनी प्राचीन है और वर्षों से कैसे ये इस क्षेत्र की संस्कृति में रची बसी हुई है। ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो ये मंजूषा चित्रकला जो है ये अर्ली आप मिडाइवल पीरियड से समझ सकते हैं, मध्यकाल के प्रारंभिक स्तर से, क्योंकि इसमें जो रेफरेंसेस आते हैं और इस कहानी मंजूषा की जो कहानी है जो बिहला विसरी की लोक गाथा के साथ जुड़ी हुई है, तो ये गाथा यहाँ के लोक भाषा अंगिका में गाई जाती है और इसके पहले ये बंगाल में, बगल के बंगाल में ये मनसा मंगल काव्य के रूप में ये पूरी कहानी है। तो अगर इसकी अवधि को लिया जाए और इसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक अगर दृष्टि से देखा जाए तो विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की जो खुदाई हुई है तो वहाँ से भी मनसा विषहरी की बहुत ही नायाब मूर्तियाँ मिली हैं और जो ये चीज़ प्रमाणित करती हैं कि यहाँ मनसा विषहरी की पूजा की परंपरा रही होगी और वो काफ़ी प्रिविलेंट होगी। इस कारण ये वहाँ की मूर्ति कला में ये बात आई। तो मैं समझता हूँ कि विक्रमशिला की स्थापना के बाद ये 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी ये वो ऐसा काल रहा होगा जब ये कहानी जो है प्रचलन में आई। अब बिहार से हम पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं, जहां आपको कपड़ों की बुनाई के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। पूरे इतिहास में बंगाल अपने वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का बेहतरीन सूती और मलमल बहुत प्रसिद्ध रहा है, लेकिन इस क्षेत्र का बेहद बेशकीमती बालूचरी सिल्क अपनी विस्तृत बुनाई और दृश्य कथाओं की वजह से खास माना जाता है। बालूचरी साड़ियाँ सामाजिक जीवन और परंपराओं दोनों को दर्शाती है। वो न केवल कला का बेहतरीन नमूना है बल्कि उनके जरिए विभिन्न विषयों को भी दर्शाया जाता है। बालूचरी साड़ियों के पल्लू पर विस्तृत बुने हुए रूपांकन अक्सर पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं को दिखाते हैं। बालूचरी की कहानी 17वीं और 18वीं शताब्दी से शुरू होती है, जब ढाका के बाद मुर्शिदाबाद बंगाल के नवाबों की राजधानी बना तो बालूचरी बुनकरों को यहाँ बुलाया गया और वह मुर्शिदाबाद से 9 किलोमीटर दूर स्थित बालूचर, जिसे अब जियागंज कहा जाता है, गांव में बस गए। समय के साथ इन बुनकरों ने डिजाइन की अपनी खुद की शैली विकसित की, जिसकी वजह से दुनिया का ध्यान इस तरफ गया। ये कला 19वीं शताब्दी तक फलती फूलती रही, लेकिन अकाल, बाढ़ और भूकंप की वजह से बालूचर में बुनकरी उद्योग तबाह हो गया और बुनकरों को लगभग 200 किलोमीटर दूर बिष्णुपुर के मंदिरों वाले शहर जाकर बसना पड़ा। यहाँ उन्हें बिष्णुपुर के मल राजाओं से संरक्षण मिला। स्थान बदलने के साथ बालूचरी साड़ियों की शैली और चित्रण भी बदलता गया। इन पर मंदिरों की जटिल नक्काशीदार टेराकोटा पैनलों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। कोलकाता में रहने वाले इतिहासकार तथागत नियोगी ने हमें बताया कि कैसे बालूचरी को संरक्षण मिला और कैसे मंदिरों में वर्णित कथाओं को कपड़ों पर उकेरा गया। So Bishnupur comes kings were Vaishnavites, and after Chaitanya, Vaishnavism becomes big in Bengal, and again the Mughals come in here because the Mughals were patronizing Vaishnavism in Bengal because that was the way to
reach out to the local elites. So that is when these artisans come in, and these huge temples were commissioned. The terracotta was commissioned according to Vaishnavite ideology, the Gaudiya Vaishnavism ideology. You have Dasavatar, you have Krishna's Ras Chakra, and all that stuff. And that then becomes reflected in Baluchery, because Baluchery is also patronized by the central nobility and the royals, Vishnupur royals. And also, so you see the hunting scenes, you see the noblemen, nobility, you also see the daily life scenes, you see the yogis and all that. Baluchery saadiyon ke vishay स्थान और बदलते हुए समय को भी दर्शाते हैं। नवाबों के संरक्षण की वजह से बालूचरी में कई ईरानी रूपांकनों और स्थापत्य पैटर्न को शामिल किया गया, और बाद में अंग्रेजों के उदय के साथ इन वस्त्रों में कई यूरोपीय विषयों को देखा जा सकता था, जैसे कि हुक्का पीते अंग्रेज अधिकारियों को। कोलकाता में वीवर स्टूडियो की संस्थापक दर्शन शाह ने बालूचरी में इन रूपांकनों के बारे में हमें ये बताया। You know, it is the pallas, as you can see, are very architectural. So maybe it was used for wrapping gifts, books, silver, whatever, to give from the zamindar families to the kings or to the British. And so we really don't know. There are many, many theories about it. And that is how we find the architectural bit, is you find that these are all bricks. And this is the central portion, the central deity or the central space or the central door, and what we found is that there were paisleys always. You can see that the British going in a train, or the hookah smoking women and men, or you would see the beautiful flowers that they're giving. You would see the Mughal hats. You would see the zamindari system. दक्षिण भारत में भी कला के माध्यम से कहानी कहने की ऐसी परंपराओं को देखा जा सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कलमकारी कला। कहा जाता है कि यह आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के श्रीकलाहस्ती शहर में उत्पन्न हुई थी। कलमकार मंदिरों के लिए लंबे कपड़ों पर कलमकारी के जरिए हिंदू पौराणिक कथाओं, रामायण और महाभारत की कहानियों को दर्शाते थे, और इनमें रूपांकनों की एक पूरी श्रृंखला जोड़ी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि विद्वानों का कहना है कि यहाँ बनाए गए कलमकारी कपड़ों की कला आंध्र प्रदेश में विजयनगर युग लेपाक्षी मंदिर की दीवारों और छत पर बने भित्ति चित्रों से मिलती जुलती है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगर निरंजन जोनाल गड्डा ने हमें कलमकारी के बारे में ये बताया। Actually, this craft is called kalamkari. Kalam means pen, kari means work like that. Its original name was Vrata Pani. It's Vrata means writing, Pani means work. So that's the name given by the Pan people. What they call that kalam means pen, kari means work like that. So it's kalam. Nowadays it became very famous. See, originally we used to export these kalamkaris to European countries since 13th, 12th century like that. It went mostly European countries. When the Dutch people came to India in the 14th, 15th century, that time we used to export the kalamkari chins. That we call chins also. See, before that we used to do this craft for temple hangings. We used to do that Ramayana, Bharata stories like that. We can hang the pieces in the temples. We can come the people for the pilgrims. We can explain that story to them. To educate the people like that. So once the Dutch people came to India, that time we used to do the designs according to their designs. We done some Dutch materials and their upholsteries and the bed linens like that. So that's taking the same techniques, but only that motifs, we change the motifs. It's floral motifs like that. ये कलारूप भारत में कहानी कहने की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने वाले कई रूपों में से कुछ है। जीवन और कहानियों, पात्रों, मिथकों, कथाओं और रंगों से भरपूर ये कला ही है जो भारत को इतना खास बनाती है।